बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर समझ आए होंगे, उम्मीद है कि आपने उसको पढ़ा होगा, उनके डायग्राम्स पर और उनके क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया आपने तवज्जो दी होगी। कलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को हम सेल एनवेलप भी कह देते हैं। तो अगर एनवेलप का क्वेश्चन आ जाए तो यही दो बातें सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बतानी होती है। इसके बाद आपकी किताब में है साइटोप्लाज्म, साइटो सेल प्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म। बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस शॉर्ट भी एमसीक्यूज भी निकल सकते हैं। तो बेटा देखते हैं कि क्या है साइटोप्लाज्म। तो पहले तो ये याद रखें कि हर वो चीज जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान पाए जाने वाली चीजों को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें लिक्विड पार्ट जिसे साइटोसोल कहते हैं वो अलग है, उसके अंदर मौजूद सॉल्युबल इनसॉल्युबल स्टोर चीजें और ऑर्गेनेल्स भी अलग मौजूद होती हैं। तो साइटोप्लाज्म आज हम करेंगे वो कंटेंट्स सेल की, वो चीजें जो के सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद हों। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन शामिल नहीं है। तो क्या होता है जी, इसमें हमने कौन से फ्लूइड्स देखने हैं, क्या चीज है कि जो सेल का फ्लूइड है वो है साइटोप्लाज्म और जो अंदर न्यूक्लियस है उसके पास अपना अलग फ्लूइड है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बेटा ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म ये डिफरेंशियल टर्म्स हैं, इनको इन्हीं टर्म्स को इन्हीं नामों के साथ इनको अलग अलग याद करना। ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोप्लाज्म फ्लूइड ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में शामिल नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म वो चीज है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद है, उसमें न्यूक्लियस के अपने अज्जा मौजूद होते हैं। बेटा कलेक्टिवली कलेक्टिवली एवरी लिविंग थिंग इन अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म को आप अलग निशान लगा लें, कुछ मैं टर्म्स आपको अलग भी बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म का पता लग गया क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। बेटा सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन सबको मिलाकर यानी एवरी लिविंग थिंग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे बात बात सेल मेम्ब्रेन पे कुछ डिबेट हो जाती है कि इज वेदर इट इज इंक्लूडेड और नॉट। बहर सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एक सेल के अंदर मौजूद तमाम जिंदा चीजें वो प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म की बेटा कंपोजिशन क्या है। ये एक्वस ना सॉलिड है ना पूरा लिक्विड है, एक एक्वस जरा माया सा है। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स अक्साम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडीज प्लास्टिड्स सेंट्रियोल वैक्यूल वगैरह इस किस्म के जिनको आप ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो चीजें मौजूद होती हैं। हलशुदा और बाज़ स्टोर्ड चीजें भी इसके अंदर जो सेल किसी चीज को स्टोर कर ले या वेस्ट को अलग कर ले, कंपार्टमेंटेशन वगैरह कंपार्टमेंट कर रहे अलग कर रहे, वो सब चीजें साइटोप्लाज्म में शामिल होती हैं। फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड साइटोसोल। यहां देखें मैंने इसको अलहदा पॉइंट आउट किया, साइटोसोल एक अलहदा क्वेश्चन है और ये 90% जो है ये पानी होता है। साइटोसोल जो है ये पानी है और ये तकरीबन साइटोप्लाज्म में 90% तक हो सकता है। इसके बाद इसी माया में इसी फ्लूइड पार्ट में सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर वो आयनिक मॉलिक्यूल्स उसमें हलशुदा हो, आयनिक मरकबा, तो वो उनका ट्रू सॉल्यूशन बना देता है, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर लार्जर मॉलिक्यूल्स हो जो पूरी तरह उसमें हल होकर गायब ना हो जाए तो फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना देता है। तो बेटा ये ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन ये भी अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने याद रखना है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, गायब नहीं होते। दो किस्म की हालतों में हो सकता है, अगर सोल की हालत में है तो इसका मतलब ये नॉन विस्कस है, गाढ़ा नहीं है। अगर ये जेल बन जाए तो फिर ये विस्कस है यानी गाढ़ा सॉल्यूशन, विस्कस गाढ़ा सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में वैसे भी एक नॉन क्लियर सॉल्यूशन जो है ना वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है,
बाहर ये केमिस्ट्री के टॉपिक में आप पढ़ेंगे। एक बात जो इसमें याद रखने वाली है कि सेल के जो पेरिफेरी होती है किनारे, सेल के किनारे किनारे पर, सेल के किनारे एक तरफ ये प्लांट सेल है एक तरफ एनिमल सेल है, तो सेल के किनारे किनारे पर जो है वो जरा गाढ़ी चीजें होती हैं, यानी जेल लाइक या विस्कस साइटोप्लाज्म जो है वो सेलों के जरा किनारों की तरफ ज्यादा होता है। इनका काम क्या है साइटोप्लाज्म, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, अलग-अलग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या काम हो सकता है जी। साइटोप्लाज्म स्टोर हाउस है, कई चीजें इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद है, इसके अंदर वेस्ट मौजूद है, इसके अंदर जरूरी सेल अपनी जरूरी चीजें अपनी फूड से लेके अपनी स्टोर रखने वाली चीजें तक भी साइटोप्लाज्म में रख लेता है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नए मॉलिक्यूल का बनना, पुराने मॉलिक्यूल का टूटना, मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन है ये भी आपको सेकेंड चैप्टर में आएगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ये तमाम साइटोप्लाज्म में हो रहा है। वाटर उधर अवेलेबल है, एंजाइम्स भी इधर अवेलेबल है, ऑर्गेनेल्स में भी हैं अलग अलग एंजाइम्स, एंजाइम्स के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और दूसरे एंजाइम्स भी मौजूद हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी साइटोप्लाज्म में हो रही है, पहला फंक्शन स्टोरिंग, दूसरा वेस्ट और रिसेसिव थिंग्स है, तीसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देख लें बेटा, चौथा ऑर्गेनेल्स, सेल में काम करने वाले छोटे छोटे अजसाम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स, ये वो सारे ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। बेटा बहुत अहम क्वेश्चन, ये लफ्ज साइक्लोसिस आपकी बुक में नहीं दिया होगा, सिर्फ डेफिनेशन बताइए, तो ये साइक्लोसिस आप यहां पर लिख लें जहां पे आपका नया पेज शुरू हो रहा है। साइक्लोसिस होती है स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जामद या साकत नहीं है, इसके अंदर हल्की हल्की ये चीजें आपस में मूव कर रही होती हैं। अभी आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया इधर पड़ा है, फिर मूव करते हुए इधर चला गया, फिर उधर चला गया, इस तरह सेल ऑर्गेनेल्स भी मूव करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर की चीजें हल्का हल्का मूव कर रही होती हैं, इसे स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, इसको एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। लफ्ज आता है साइक्लोसिस, साइक्लोसिस से आ गया या स्ट्रीमिंग मूवमेंट से आ गया, ये भी एक बहुत अहम क्वेश्चन है। तो बेटा इस तरह यहाँ साइटोप्लाज्म कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ये डायग्राम्स हैं, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, तो देखें ये प्लांट सेल में सबसे बाहर ये सेल वॉल है, ठीक है, ये एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन हमने दिखाई है कि सेल वॉल के बाद है, कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म का अलग दिखाया है, प्लांट सेल में एक बड़ा सारा वैक्यूल हमने अलग दिखाया है। तो बेटा यहाँ पर टर्म्स हमने क्या पढ़नी है, साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट क्या है, देखिए प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लास्ट, न्यूक्लियस शामिल हो जाता है, और साइटोप्लाज्म में हर वो चीज जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान है वो चीज मौजूद है। तो ये लफ्ज प्लास्ट, प्लास्ट फर्क डालता है एक ऐसे सेल जो जिसकी सेल वॉल की, जब आप सेल वॉल निकाल लें, सेल वॉल निकाल दें तो सेल मेम्ब्रेन और बाकी सारी जो चीजें बची वो कहलाएगी प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल निकाल दें, सेल वॉल तोड़ दें, हटा दें, तो क्या बचा आपके पास, प्रोटोप्लास्ट। और इसी तरह एक ऐसे सेल वॉल वाले सेल यानी प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरिया के सेल में जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज चीजें हैं, और अगर वो न्यूक्लियस वाला सेल है तो उसकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो चीजें हैं जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, अगर वो मखसूस टर्म आप सेल वॉल वाले किसी सेल के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टर्म साइटोप्लास्ट हो जाएगी। तो साइटोप्लाज्म साइटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट, इसको इस तरह आपने याद रखना है। कोई क्वेश्चन हो मेरे फोन नंबर्स, मेरा लिंक आपके पास मौजूद हैं, मुझसे आप रابطہ कर सकते हैं डायग्राम्स पे और इसी कंपोजिशन फंक्शन पे, बहुत सारे सवाल बनते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसको आप याद करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।